आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 299 रनों का लक्ष्य दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे सफल बल्लेबाज रहे शॉन मार्श, जिन्होंने 123 गेंदों में 131 रन बनाए। शॉन मार्श के बाद ग्लेन मैक्सवेल ने 37 गेंदों में 48 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शॉन मार्श और ग्लेन मैक्सवेल के कारण ही ऑस्ट्रेलिया 298 रनों के स्कोर तक पहुंच पाई। एक समय लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 320 या 330 रन बना लेगी, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के एक ही ओवर में शॉन मार्श और ग्लेन मैक्सवेल आउट होते ही ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदें खत्म हो गई और ऑस्ट्रेलिया 298 रन ही बना पाई। अब आपको बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने 18 रन बनाए। इसके बाद आए एरोन फिंच ने 6 रन, उस्मान ख्वाजा ने 21 रन, शॉन मार्श ने 131 रन, पीटर हैंडस्कॉप ने 20 रन, मार्कस स्टोइस ने 29 रन, ग्लेन मैक्सवेल ने 48 रन, रिचर्डसन ने 2 रन, नेथन लायन ने 12 रन, पीटर सिडल ने 0, जेसन बेरहनड्रॉफ ने 1 रन। भारत की तरफ से सफल गेंदबाज रहे भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 10 ओवर में 4.5 की इकोनॉमी से 45 रन दिए और 4 विकेट हासिल किए। इसके बाद भारत की तरफ से मोहम्मद शमी सफल रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 5.8 की इकोनॉमी से 58 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद सिराज सबसे महंगे बॉलर साबित हुए, जिन्होंने 10 ओवर में 7.6 की इकोनॉमी से 76 रन दिए और कोई भी विकेट लेने में असफल रहे। कुलदीप यादव भी 10 ओवर में 6.6 की इकोनॉमी से 66 रन लुटा दिए और विकेट लेने में असफल रहे। वहीं रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर करवाए और 4.9 की इकोनॉमी से 49 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को कोई भी विकेट नहीं मिला। अब देखना यह होगा कि क्या भारत इस लक्ष्य को हासिल कर पाती है, क्या भारत 299 रन बना पाती है। अगर भारत के टॉप ऑर्डर रन बनाते हैं तो भारत इस मुकाबले को निश्चित ही जीत लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ में वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।